हेलो फ्रेंड्स, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा और बेसन से बनी हुई बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी खस्ता की रेसिपी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितना क्रिस्पी है। मैं इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से एकदम खस्ता है और जब आप इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट एकदम कचौड़ी की तरह लगेगा। आप इसे 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे तब चाय के साथ इसे खाइए। इसके साथ मैं ये दही वाली हरी चटनी भी बनाऊंगी। दही वाली चटनी के साथ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहे का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। मैं इसे बाउल में डाल देती हूँ। सबसे पहले पोहा को पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। ये नॉर्मल वाला वही पोहा है जो हम पोहा नाश्ते में बनाते हैं। ये पानी हम निकाल देते हैं। 1-2 बार पानी डालकर पोहा को अच्छे से वॉश करेंगे। पोहा को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए। पोहा में हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना ही पानी डालेंगे कि पोहा अच्छे से डूब जाए। पोहा को कवर करके 5 मिनट फूलने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये पोहा अच्छे से फूल चुका है। अब हम पोहा को स्ट्रेनर में डालकर पोहा का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे। इस तरह से चम्मच से पोहा को प्रेस करेंगे ताकि पोहा में जो एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अगर हम पोहा का पानी नहीं निकालेंगे तो हम जब डो बनाएंगे तो हमारा डो बहुत ही गीला बनेगा। ये देखिए, पोहा का हमने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब हम पोहा को मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर 1 कप बेसन लिया है। बेसन को भी पोहा के साथ डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया था तो 1 कप ही बेसन ले रही हूँ। साथ ही 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच अजवाइन ले लेंगे। अजवाइन को इस तरह से हाथ से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन को इस तरह से क्रश करके डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1 छोटी कटोरी कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को भी हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे आटा की तरह गूंथकर इसका डो तैयार करना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। ये मैंने तड़का पैन गरम होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच राई और ये थोड़े से बारीक कटे हुए करी पत्ता डाल देंगे। गैस को ऑफ करेंगे और ये तड़का हमने जो डो तैयार किया है इसमें डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अभी इसे हम चम्मच से मिला देंगे क्योंकि ये तेल अभी गर्म है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे हाथ से गूंथेंगे। अभी हल्का सा ठंडा हो गया है तो हम इसे हाथ से गूंथकर इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाउल में जो ये डो चिपका हुआ है 1 चम्मच बेसन डालकर इसे निकाल देंगे और इस डो को एकदम स्मूथ बना लेंगे। तो ये हमारा स्मूथ डो बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक ये डो सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए हरी चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मिक्सर जार में 1 कटोरी हरा धनिया डाल देंगे। ये मैंने 1 इंच अदरक लिया था जिसको पीसेस में कट कर लिया है, इसी में डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च ली हैं, हरी मिर्च को तोड़कर डाल देते हैं। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो स्किप कर दें। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। 1 छोटी कटोरी ताज़ा दही डाल देंगे।
थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मैंने दही वाली कटोरी में ही पानी ले लिया है। चटनी को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। इसका कलर कितना बढ़िया लग रहा है। अब हम इस चटनी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। 5 मिनट हो गए हैं और ये हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये जो डो है हाथों में चिपके नहीं। और थोड़ा सा डो लेंगे और इस तरह से बॉल की शेप देंगे। इसके बाद इसको हाथ से दबाकर इस तरह से चपटा करेंगे। इसे हम छोटी पूड़ी की तरह शेप देंगे। ये देखिए इसे हमें इस तरह से बना लेना है। ये ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। इसे हम प्लेट में रख देते हैं। मैं एक और बनाकर आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा डो लेंगे और इसे बॉल की शेप देंगे। इसके बाद हाथ से इस तरह से चपटा करेंगे और एक छोटी पूड़ी की तरह शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमने दूसरा खस्ता भी बनाकर तैयार कर लिया है। इसे भी मैं प्लेट में रख देती हूँ। तो पहले इन्हें हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया है। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो तेल में डालकर चेक करेंगे। तो ये देखिए ये जो डो है ये सिक रहा है। तेल हमारा गर्म है और इन्हें तलने के लिए हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस हल्का मीडियम गर्म ही होना चाहिए। और इन्हें तलने के लिए गैस की फ्लेम को भी मीडियम रखना है। अब हम खस्ता को तेल में डाल देते हैं। एक बार में जितने खस्ता आ जाए उतने डाल दीजिए। इनको थोड़ी देर ऐसे ही सिकने देते हैं, ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये अपने आप ऊपर आ गए हैं। अब हम इन्हें पलट देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाएं। हमें इन्हें पलट पलट कर हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। अगर हम इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। ये देखिए ये अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल लेते हैं। थोड़ी देर कलछी को इसी तरह से लगाकर रखेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में ही निकल जाए। और इसी तरह से बाकी के खस्ता भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सारे खस्ता फ्राई कर लिए हैं। इन्हें आप चटनी के साथ या चाय के साथ भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं एक खस्ता आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका मन करे तब इन्हें चाय के साथ खाइए। आप इन्हें हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।